कैसे जानें कि घर में भूत है। घर में यदि किसी भी प्रकार की उठापटक चल रही है तो दो तरह की चीज हो सकती है। पहला यह कि कोई भूत प्रेत हो, या दूसरा यह कि अन्य किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा हो। यदि दोनों में से कोई भी एक घर में प्रवेश कर जाती है तो घर में रहने वाले सभी सदस्यों का जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। सवाल यह है कि कैसे जाने कि घर में भूत है या अन्य कोई नकारात्मक ऊर्जा का निवास है। तो मित्रों, हम इसके कुछ लक्षण बताते हैं। पहला यह कि नकारात्मक ऊर्जा या भूत प्रेत होते हैं तो घर का वातावरण बदल जाता है। शीतल और शांत वातावरण गर्म और भयानक लगने लगता है। दूसरा यह कि घर का हर सदस्य एक दूसरे से झगड़ने लगता है, या वह बात बात पर क्रोध करता है, कोई किसी से प्रेमपूर्ण वार्तालाप नहीं करता है। तीसरा यह कि अकारण ही कोई न कोई व्यक्ति बीमार रहने लगता है, दवा खाना पीछा नहीं छोड़ता है। चौथा यह कि आपके घर या घर के किसी सदस्य के मन में आत्महत्या या हत्या करने जैसे विचार आने लगते हैं। पांचवा यह कि घर में रात को सोते समय हमेशा डर लगा रहता है और नींद भी ठीक से नहीं आती है। छठा यह कि घर में घुसते ही अच्छा नहीं लगता है, किसी भी सदस्य का घर में रहने का मन नहीं करता है। सातवां यह कि किसी न किसी उपकरण में खराबी आती रहती है। आठवां यह कि घर के बच्चों का पढ़ाई से मन उचट जाता है, वे भी चिड़चिड़े और जिद्दी हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि सुख शांति और समृद्धि चली जाती है। ऐसे में आपको क्या उपाय करना चाहिए, तो चलिए यह भी जान ही लेते हैं। पहला यह कि एक कांच के गिलास में पानी भरकर उसे कमरे में रखें, 24 घंटे बाद उसे वाश बेसिन में बहा दें। इसी तरह हर कमरे में रखकर ऐसा ही करें। दूसरा यह कि हनुमान जी का उत्तर की दीवार पर एक चित्र लगाकर प्रतिदिन सुबह और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें। तीसरा यह कि प्रत्येक मंगलवार तथा शनिवार को हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के आगे सुंदर कांड का पाठ करें। चौथा यह कि प्रतिदिन सुबह शाम एवं रात को कर्पूर जलाएं और घर में गौमूत्र का छिड़काव करें। पांचवा यह कि घर में तुलसी का पौधा लगाएं, घर के सभी सदस्य तुलसी डला जल ही पिए। छठा यह कि चतुर्थी 13 14 अमावस्या और पूर्णिमा को पवित्रता का पालन करें, शराब न पिए और न ही मांस का सेवन करें।